कहते हैं सनातन धर्म से ही विज्ञान की उत्पत्ति हुई है। अगर सनातन धर्म ना हो तो विज्ञान भी नहीं होगा, क्योंकि सनातन भक्तों की श्रद्धा और उनके भाव को देखकर हमेशा भगवान प्रसन्न होते हैं और हम छोटे छोटे कणों में भी ईश्वर को ही ढूंढते हैं। ऐसी ही एक मान्यता सदियों से चली आ रही है, जिसमें कहा जाता है कि माता नर्मदा की कोख से मिले हर एक कंकड़ में भोलेनाथ का वास होता है। वैसे तो भगवान भोलेनाथ सृष्टि के कण कण में वास करते हैं, लेकिन मान्यता कुछ ऐसी है कि माता नर्मदा के हर कंकड़ में भोलेनाथ का वास माना जाता है। इसलिए श्रद्धालु पूरी श्रद्धा भाव से माता नर्मदा की कोख से मिले हर एक कंकड़ को अपने घर ले जाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। क्या वाकई ऐसा है? इस बात का पता लगाने हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता था और हम निकल पड़े थे उसी रास्ते पर, नाव में बैठकर माता नर्मदा की उन लहरों के बीच में। कहते हैं माता नर्मदा के हर कंकड़ में भगवान शंकर का वास होता है। इसके पीछे की कहानी कुछ इस प्रकार है कि कई वर्षों पहले माता नर्मदा ने जब भोलेनाथ की कठोर तपस्या करी थी, इससे प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने माता नर्मदा को एक वरदान दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि कलयुग में मैं तुम्हारे अंदर हर कंकड़ के रूप में वास करूँगा। तब से लेकर नर्मदा के अंदर हर कंकड़ में भोलेनाथ का वास होता है और कहते हैं यहाँ से भोलेनाथ के घर में प्राण प्रतिष्ठा की भी ज़रूरत नहीं होती है। आप यहाँ से सीधे अपने घर पर ले जाकर इनकी पूजा शुरू कर सकते हैं। माता नर्मदा की यही खूबसूरती है कि सालों साल से यहाँ पर जिसके भी हाथ में कंकड़ आता है वो श्रद्धालु उसे अपने घर ले जाता है और भोलेनाथ की पूजा अर्चना शुरू कर देता है। इसको लेकर सबसे पहले हमने यहाँ पर सालों से नाव में बैठाकर श्रद्धालुओं को माता नर्मदा का भ्रमण करा रहे नाविक से बात की। ऐसा सुना मिलते हैं हम लोगों को, जिसके अंदर नर्मदेश्वर बोलते हैं और वाइट कलर का पत्थर रहता है, उस पर जल भरा रहता है नर्मदा जी का, ये सच है। बहुत सारे लोग ले जाते हैं, हम लोगों से भी निकलवाते हैं, बीच में गोटाखोर हम लोग गोटाखोर भी हैं, लगाते हैं, बीच से निकाल के दे देते हैं, हम लोगों को दक्षिणा दे देते हैं 101, किसी की ज्यादा श्रद्धालु की व्यवस्था है तो वो ज्यादा दे देते हैं। नर्मदा में मिले हुए हर कंकड़ को जिनमें भोलेनाथ का वास होता है, इन्हें हम नर्मदेश्वर शिवलिंग के नाम से भी जानते हैं और कहा जाता है कि इन कंकड़ों की प्राण प्रतिष्ठा की कोई जरूरत नहीं होती है। आपको नर्मदा में मिले हर एक कंकड़ को आप सीधे घर ले जाकर इसकी पूजा पाठ शुरू कर सकते हैं। इसके पीछे का कारण जानने के लिए हमने पंडित ज्ञानेंद्र शास्त्री से इस बारे में चर्चा की। उनसे हमने पूछा कि आखिर क्यों माता नर्मदा में मिले हर एक कंकड़ पे भोलेनाथ का वास होता है और इसके पीछे का क्या आध्यात्मिक कारण है और इसमें प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत क्यों नहीं होती है। माँ भगवती नर्मदा शिव जी की पुत्री कही जाती हैं और शास्त्रों में कहा जाता है आत्मा वही जायते पुत्र, है ना, स्वतः की आत्मा से संतति की उत्पत्ति होती है। इसलिए नर्मदा जी का जल हो या कंकड़ हो या जो भी है नर्मदा जी में, वो सब शिव स्वरूप हैं। और दूसरे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि माँ भगवती नर्मदा जब बाल्यकाल से अपने स्थिति में आई तो उन्होंने भगवान शिव की आराधना की, यद्यपि वो पिता हैं लेकिन पिता होते हुए भी शिव जी की आराधना की और वरदान मांगा। तब शिव जी ने वरदान दिया कि आप सदैव हम में और हम आप में रहेंगे, है ना। इस तरह से जो भी कंकण पत्थर हैं वो शंकर जी के रूप में ही पूजे जाते हैं और शास्त्रों में यहाँ तक वर्णन है कि नर्मदा जी से जो निकले हुए शंकर जी हैं, वहाँ के जो पत्थर हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करने की भी आवश्यकता नहीं होती, वो स्वतः में प्रतिष्ठित हैं। इस तरह से माँ भगवती नर्मदा में शिव जी का महत्व है। अगर आप मानो तो माँ नर्मदा है और ना मानो तो सिर्फ बहता हुआ पानी, और अगर आप मानो तो माता नर्मदा के हर कंकड़ में हर अंश में भोलेनाथ बसते हैं और श्रद्धा पूर्वक आप उन्हें घर ले जाकर बिना प्राण प्रतिष्ठा से उनकी पूजा अर्चना कर सकते हो।